खबर इंदौर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान सामने आया है। मुझे कई बार मौका देने के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। खंडवा से 2023 के मिशन का आगाज होगा। मैंने पारिवारिक कारणों के चलते दावेदारी वापस ली है। खंडवा में किसी निष्ठावान युवा को मौका दिया जाना चाहिए। खंडवा में पार्टी को जीत दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बयान अरुण यादव का सामने आया है। पारिवारिक कारणों के चलते मैंने अपनी दावेदारी वापस ली है। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ है। मैंने खुद ने, आपने अगर 3 दिन पहले का मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि किसी निष्ठावान कांग्रेसी को मौका, नौजवान को मौका पुनः मिलना चाहिए। मैं 5 चुनाव। वही भोपाल से खबर, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। अरुण यादव के चुनाव ना लड़ने पर बयान दिया है। हमसे रेस लगाने की चुनौती देते हैं, अपनी पार्टी में ढाई घर चलते हैं। जमीर पर चोट लगेगी तो अरुण यादव बनेगा। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। अरुण यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे, जब वो बता रहे थे कि उनकी 1000 एकड़ जमीन है, कॉलेज चलाने में व्यस्त है, स्कूल चलाने में व्यस्त है। तभी अरुण यादव जी की इनकार की पटकथा लिखी जा रही थी। वही उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। दिग्विजय कमलनाथ पर निशाना साधा है। बेटों के अलावा किसी को आगे नहीं आने देंगे। कांग्रेस नेतृत्व की राह पर दिग्विजय कमलनाथ अपने बेटों के अलावा किसी को भी मौका नहीं देंगे। अरुण यादव को लेकर भी निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यहाँ पर हैं। सर, कब तक टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे? टिकट डिक्लेयर जल्दी हो जाएंगे, माना जाए आज से कल में सूची आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। सर, अरुण यादव को लेकर जो स्थिति बनी है खंडवा से, आप क्या देख पा रहे हैं? आप क्या अरुण यादव के पीछे हट रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को अपने बेटों को मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना, तो अरुण यादव का क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। तो सर, अरुण यादव कांग्रेस में माँ और बेटा किसी को नहीं आने देना चाहते, केंद्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर दोनों नेता अपने बेटों के अलावा किसी को नहीं आने देना चाहते। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ जो कांग्रेस करती आई है वही कर रही है, ये नेचर है कांग्रेस का। तो क्या माना जा रहा है सर, अरुण यादव वाकई नहीं लड़ पाएंगे? अरे ये तो उनका काम है, हम तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम में लगी है। तो देखिए, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा है उन्होंने कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दो नेताओं के कारण अरुण यादव को टिकट नहीं मिल पा रहा है। और अरुण यादव के जो बैकफुट आने का कारण भी इन्हीं नेताओं को बीडी शर्मा ने बताया है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 भोपाल।